हाय एवरीवन, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ एक स्किन केयर प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूंगी एंड बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी स्किन केयर प्रोडक्ट एंड मैं इसको कुछ 10 से 12 दिन से यूज कर रही हूं एंड आई हैव बीन सीरियसली लविंग द रिजल्ट्स दैट इट इज शोइंग ऑन माई स्किन। सो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल यू अबाउट दिस प्रोडक्ट, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू इट। सो आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगी वो है ये वाला। दिस इज द लॉरियल पैरिस रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस स्मूदिंग प्लस रेडियंस। इसको मैं अभी कुछ 10-12 दिन से ट्राई कर रही हूँ एंड आई हैव बीन एक्चुअली लविंग द रिजल्ट्स। एंड अगर आप मुझको लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं देन आपको जरूर से पता होगा कि मेरी बहुत ही ज्यादा ऑयली स्किन है, स्वेटी स्किन टाइप है, सो उसके लिए ये परफेक्ट है बिकॉज बेसिकली दिस इज लिक्विड स्किन केयर। आप देख सकते हैं बॉटल में, इट फील्स एग्जैक्टली लाइक वॉटर। जैसा मैंने बोला, ये एक एसेंस वॉटर है एंड एसेंस जो होता है वो कोरियन स्किन केयर का एक मेन पार्ट होता है। मैं हमेशा से ही एक एसेंस को ट्राई करना चाहती थी, सो I got my hands on this and also क्योंकि अभी summer season आने वाला है, so उसके लिए ये perfect है because ये आपकी skin को वो enough hydration provide करेगा without making your skin oily, greasy or sweaty, so आपकी skin बहुत ही अच्छा feel करेगी, hydrated रहेगी and you can also substitute it in place of a moisturizer क्योंकि ये आपकी skin में within seconds absorb हो जाता है और penetrate कर लेता है and it penetrates deep into your skin up till 10 layers, so आप सोच सकते हो कि कितने ज्यादा benefits भी इसके मिलेंगे आपके स्किन को। आप ये जरूर से सोच रहे होंगे कि आपको इस क्रिस्टल माइक्रो एसेंस को कैसे यूज करना है। सो सिंपली आपको इस एसेंस के 3 से 4 ड्रॉप्स अपने पाम पर लेने हैं और ऐसे ऐसे करके स्प्रेड करना है एंड देन जस्ट टैपिंग मोशन में अपने फेस पर ऐसे ऐसे करके रखना है। ऐसे टैप टैप आपको करना है, यू डू नॉट हैव टू रब दिस क्योंकि जितना आप रब करेंगे अपने फेस को उतना ही आपकी सेल जो है वो डैमेज होता जाएगा, सो यू डू नॉट हैव टू रब इट लाइक दिस। जैसा मैंने बोला, ये बिल्कुल ही पानी के जैसे लगता है, सो जल्दी से मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। दैट फील्स एग्जैक्टली लाइक वॉटर, आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्रिप हो गया जैसे ही मैंने अपने हाथ को पलटाया और यहाँ रखा था। मैं जनरली इसको दिन में 2 बार लगाती हूँ, एक सुबह और एक रात को। सुबह मैं जब लगाती हूँ इसको, सो आई ऑलवेज फॉलो इट यूजिंग अ सनस्क्रीन, सो मैं इसको लगाने के बाद सनस्क्रीन जरूर से लगाती हूँ एंड जब रात में लगाती हूँ तो इसके बाद आप चाहें तो कोई एक मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। मैं कभी कभी मॉइस्चराइजर स्किप कर देती हूँ बिकॉज ये इनफ है एक ही में, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा हाइड्रेट कर देता है मेरी स्किन को। एटलीस्ट ये जनरली हमको क्लेंस्ड स्किन पे ही, यानी कि डर्ट, पोल्यूशन, ग्राइम कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके फेस पे, फेस वॉश करने के बाद ही आपको ये प्रोडक्ट लगाना है। सो आप डेमोन्स्ट्रेशन जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्टिंग ऑफ ऑन अ क्लीन फेस, आप देख सकते हैं बॉटल पे एक नोजल है विच इज यूजफुल इन पोरिंग द इनफ क्वांटिटी नीडेड। मैं यहाँ 3 से 4 ड्रॉप्स ले रही हूँ अपने पाम पे एंड अच्छे से उनको स्प्रेड आउट कर रही हूँ इवनली अपने पाम पे एंड देन आई एम टैपिंग ऑन माई फेस जेंटली, पहले फोरहेड पे, देन चीक्स पे, देन ऑन माई चिन एंड टैप टैप करके ये प्रोडक्ट विद इन सेकेंड्स एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड यू कैन सी द ग्लो। सो आपने डेमो देख लिया एंड आई होप आपको क्लियर होगा। अब मैं जल्दी से आपको इसके 2 मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती हूँ। पहला इंग्रेडिएंट इसमें सैलिसिलिक एसिड पड़ा है एंड सैलिसिलिक एसिड जो होता है इट इज गुड फॉर एक्ने प्रोन स्किन। मुझे जब टीनेज में एक्ने हुआ करते थे तो मेरे डॉक्टर मुझको सैलिसिलिक एसिड रिकमेंड किया था उन्होंने, सो ये मेरी एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है एज वेल एज पोर्स को क्लॉग नहीं होने देता है और पोर्स को प्योरीफाई करता है। सो इसी वजह से जो भी स्किन पर गंदगी है, स्किन बिल्डअप है, सीबम बिल्डअप है, वो सारा भी सैलिसिलिक एसिड अच्छे से रिमूव करता है। वहीं दूसरा इंग्रेडिएंट जो इसमें पड़ा है वो है सेंटेला एसियाटिका। ये बेसिकली एक एक्सट्रैक्ट होता है और ये जो है आपकी स्किन को रिपेयर करता है, जो भी सेल डैमेज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेंटेला एसियाटिका उसको रिपेयर करता है, कोलेजन लेवल को बूस्ट करता है जिसकी वजह से फाइन लाइन्स, रिंकल्स काफी देर बाद आते हैं या उनमें मदद मिलती है उनको फेड अवे करने के लिए एंड बेसिकली ये जो दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपकी स्किन को रेडियंट लुकिंग बनाते हैं, प्लम्प बनाते हैं, सॉफ्ट, सपल एंड ऑल दोज वंडरफुल थिंग्स जो भी आप फील करना चाहते हो अपनी स्किन पे, बिल्कुल ही वैसा आपकी स्किन को बनाते हैं। सो आई बिलीव कि ये मोस्टली सभी स्किन टाइप्स वालों के लिए सूटेबल है एंड इन केस अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो ये और भी काफी साइज वेरियंट्स में अवेलेबल है। इसकी छोटी बॉटल 22 ml वाली भी मिलती है, फिर मीडियम साइज में आता है विच इज 65 ml एंड देन मेरे पास बड़ी बॉटल है बिकॉज एज यू नो आई लव दिस प्रोडक्ट, तो ये जो बॉटल है ये 130 ml
की है विच रिटेल्स फॉर 1400 रुपीज, एंड मैं समझती हूँ कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है बिकॉज इसेंस वाटर जो होते हैं वो काफी कॉस्टली आते हैं, स्पेशली उनका जो एक्सट्रैक्ट उनमें पड़े होते हैं दे आर रियली हार्ड टू एक्सट्रैक्ट, सो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। एंड इवन आप पैकेजिंग भी देख सकते हो, इट इज एक्सट्रीमली लग्जूरियस, एक बहुत ही हैवी सी ग्लास बॉटल है एंड इट फील्स फ्रीकिंग लग्जूरियस, सो आई बिलीव इट्स अ मस्ट हैव इन योर वैनिटी एंड योर स्किन केयर रिजीम। सो इतने अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जो कि आपकी स्किन को रेडियंट लुकिंग बनाता है, प्लम्प बनाता है, सॉफ्ट बनाता है और बहुत ही ज्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड पूरा ही दिन रिफ्रेश्ड भी रखता है, सो मैं जरूर से रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार एटलीस्ट इसको ट्राई करके देखें। जैसा मैंने बोला छोटी बॉटल्स में भी अवेलेबल है, सो यू कैन एटलीस्ट गिव अ ट्राई एंड आई नो कि आपको प्यार हो जाएगा इस प्रोडक्ट से। एंड इन केस अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं सो इसका परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर यू चेक इट आउट। एंड ऑल्सो और भी डिटेल्स जो मैंने इन्ग्रीडियंट्स मेंशन किए, एक्सप्लेन किए, वो भी सारे एक बार मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन करके लिख के बता दूंगी। एंड इन केस अगर आपके और कोई भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड अगर आपको लगता है कि मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा देन डू पोस्ट अ पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम एंड टैग मी देयर। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। बाय गाइज।